गाइस आज हम राइज ऑफ द टॉम राइडर गेम खेलने वाले हैं। गेम तो पुरानी है लेकिन मेरे लिए ये नहीं है। आज आपको मैं ऐसी ओपी लेवल की ग्राफिक्स के साथ गेम प्ले दिखाने वाला हूं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। तो गाइस ये गेम भी स्टार्ट में जो है ना ये बर्फ से ही शुरू होगी, यानी कि हम बर्फ के अंदर होंगे, वहाँ से हम अपना गेम प्ले स्टार्ट करेंगे, जिसका मेन करेक्टर लारा है, जिसका नाम है लारा। तो देख सकते हैं लारा, आई कैन मैं देख सकता हूँ, यू कैन सी, आप भी देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग और इसकी साउंड, इसकी ग्राफिक्स, आई रियली लव इट यार। गाइज आपको जैसा भी लगे ना आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है हमको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज हमारा इस राइज ऑफ द टॉम राइडर का फर्स्ट गेम प्ले है, तो इसमें देखेंगे हम स्टार्ट में हमें क्या करना है। तो एक्चुअली ये भी स्टोरी बेस है, लेकिन इसके अंदर जो स्टोरी है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है। इसके अंदर हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद लड़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है इसके अंदर जो है ना, हमें माइंड के साथ रास्ता तलाश करना होता है कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। तो लेट्स सी, स्टार्ट के ऊपर हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं लारा। तो लेट्स सी, पकड़ यार, हाथ पकड़ लो। लो गाइस हम पहाड़ के गाइस हम पहाड़ के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं यार। तो आप देख सकते हैं क्या अमेजिंग सीन है, वो गेम के अंदर भी कह रहा है क्या अमेजिंग सीन है यार, दैट्स अ ब्यूटीफुल। गाइस कैमरा मेरे हाथ में अब आया, आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट साइड से इसकी कलर ग्राफिक, आई थिंक तूफान आ रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है गाइज। मैं आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में हूँ, लेट्स सी, आप देख सकते हैं जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तूफान तेज़ हो रहा है। गाइज इसके अंदर हमारे साथ जो जितना भी टोटल सामान है ना वो सारे का सारा जो है पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए है। रेल में तो आप इतने हाइट से आए नहीं होंगे कभी भी, आप तो ख्वाब होगा, लेकिन मैं आपको पहाड़ों के ऊपर ले आया हूँ जहाँ से बाहर तरफ बर्फ की तरफ। यहाँ से भी केयरफुली हमें निकलना होगा क्योंकि जगह थोड़ी है, पाँव स्लिप होने से हमारी स्टोरी लाइन जो है। ओह गॉड, ओके आई एम ओके लॉर्ड, आई एम फाइन, ओके। ओह गॉड गाइस, यहाँ पे हमें ई ब्रेक करना है जल्दी से। गाइस इसमें ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद झटके लगते हैं, तो आपकी जो है ना दिल थाम के बैठना है, क्योंकि किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ से, इट्स टू डेंजरस है, वक्त ये बहुत डेंजरस है, यहाँ पे हमें क्लाइंबिंग वॉल है, यहाँ से हम ऊपर चढ़ेंगे। गेम एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए कुछ हिस्सा ना बर्फ़ का बहुत नाजुक होता है, वहाँ पे पहले जो हमें चेक कर लेना होता है कि भाई पकड़ जो है ना वो ठीक से लगेगी या नहीं। तो अब हम यहाँ से हमें जंप करना है, प्रेस स्पेस, होल्ड प्रेस स्पेस है, हम कामयाबी से आगे आ गए हैं, एक स्टेप हो रहा है यहाँ से। ओके, अब यहाँ से जंप करेंगे, जो हमारा फ्रेंड है भाई वो हाथ पकड़ेगा। बी केयरफुली गाइस, हम यहाँ पे भी सेफली आगे आ गए। गाइस बहुत मुश्किल टॉप, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिल को झटके लगते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर को भी सेफ रखना है, क्योंकि ताकि गेम प्ले अच्छा हो सके। गेम के अंदर बंदा किल ना हो तो भाई फिर वो गेम क्या है, गेम के अंदर तो इन्जॉय करने के लिए बार बार अपने बंदे को किल भी करवाया जा सकता है, ताकि कुछ सीन जो बड़े अमेजिंग होते हैं उसको देखने के लिए हमें बार बार रिपीट से देखना पड़ता है। तो गाइज हम जो है ना ये हिस्सा क्रॉस करके अब हम एक वार के अंदर जा रहे हैं, जहाँ से भी केयरफुल, शॉर्ट में ही इतना बड़ा झटका लग गया गाइज, मैं तो खुद एकदम से डर गया, मैंने कहा ले भाई करेक्टर गया लारा। गाइस ये बिल्कुल आप रियल लारा, उसकी कॉपी इन्होंने करके गेम बनाई है, मे भी उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो, आई डोंट नो, बट जो भी है लेकिन गेम अमेजिंग है। लेट्स सी आगे, इस पर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन आने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं
सामान सारा हमारे पास पूरा है। स्टॉर्म तूफान जो है करीब आ रहा है, ज़्यादा करीब आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि तूफान जो है ना और ज़्यादा तेज़ हो जाए। लेट्स सी, अब हमें यहाँ से देखना है कि हमें क्या करना है। गाइस यहाँ से कैमरा मेरे हाथ से निकल गया, अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। Just as last stretch to the top. Yes, हमने बिल्कुल टॉप पे जाना है यहाँ। Let's see, कोई मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि भाई टॉप पहाड़ियों का मशीन है। ऐसी पहाड़ियों को कोई क्रॉस करने के लिए तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे गाइस हमने रस्सी एक दूसरे से बांध ली है ताकि किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस पैदा होने से पहले जो है ना एक दूसरे की बड़ी अच्छे तरीके से हेल्प की जा सके। Looks like we climb from here. अब हमने ये वाली जो ये जो आपको आइस नज़र आ रही है ना, हमने इसको पकड़ना है। You ready? You ready? Ready है भाई। Jump it. Guys, कामयाबी से मैंने पकड़ लिया। Let's see. जल्दी से हम ऊपर चढ़ेंगे इससे पहले कि तूफान तेज़ हो। हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है। बहुत आला। Oh God. Guys, बर्फ़ कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई है। इससे पहले कि मजीद स्लो, अब हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा। ओह गॉड, देखो दूसरा झटका गाइस। स्टार्ट में अभी तो 5 मिनट हुए हैं गेम स्टार्ट हुई को, दूसरा झटका लग गया। यहाँ से हमें राइट पे निकलना है। राइट यहाँ पे निकलने के लिए, यहाँ पे हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत आला। गाइस ये देखिए, जब जैसा कि मैं आपको मैंने बताया था कि कुछ बर्फ़ का हिस्सा बहुत सेंसिटिव होता है, ये आगे सेंसिटिव लग रहा है मुझे। ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया ना, क्योंकि उसका कलर ही चेंज है, वहाँ से पता चल गया। तो मेरे साथ जो जोना है भाई, उसकी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड होगी। अब यहाँ पर वाइजी बड़ा ही ज़बरदस्त सीन करने वाले हैं हम यहाँ पर। बहुत मज़ा आएगा जब हम यहाँ से जंप करेंगे। एनी वे लड़की कामयाबी के तरीके से मैं आगे आ गया हूँ यहाँ से। जोना का जोना की बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है, जब भी होता है मेरी तरफ से ही होता है ऐसे। मैंने जोना को वहीं रोका है, उसे मैंने बताया कि पहले मैं टॉप पे पहुंच जाऊँ, उसके बाद आपको बुलाऊंगा, मेरे पीछे फिर आना आप। एनी वे गाइस जहाँ पे देखना क्या अमेजिंग सीन है, डबल जंप के साथ जबरदस्त, बहुत आला। मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसी गेम में भाई ये तेरा भाई किंग है। गाइस हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और जोना भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। वो आप देख सकते हैं जो सामने बिल्डिंग है, हमने उस बिल्डिंग को पता करना है भाई, जो जहाँ पे गेम एंड होगा। इस बिल्डिंग को पता करने के लिए हमें बहुत सारे मुश्किल कठिन रस्तों से गुजरना होगा। गाइस तूफान तेज़ हो गया और मेरी पकड़ कमज़ोर हो गई है। ओह शिट, ओह शिट, oh shit 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 shit, can you hear me? Yeah, yes, okay I'm gonna pull you back up. Guys badi zabardast backup diya inhone mujhe. Ab hame mujhe phir se again usko pakadna hoga. Swing me to the other side. Okay, here goes. Ab mujhe rasi ko jaise jhula jhoolte hue banda jhoole ko tez nahi karta, is tarah mujhe khud ko tez karte hue अगले स्नो को पकड़ना है। जोना की पकड़ भी कमज़ोर पड़ रही है, इससे पहले कि उस पकड़ उसकी बिल्कुल छूटे, हमें यहाँ से बिल्कुल जो है आई थिंक लॉस्ट ट्राई है। अगर मैं इस दफ़ा ना पहुँच पाया तो गड़बड़ हो जाएगी गाइस। अरे शिट, ये भी टूट गई। जोना की पकड़ और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। जो ऊपर बगल से लगाए हैं उसकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। गाइस हम कामयाबी के साथ लग गए हैं वहाँ पे। एनीवे बहुत हो, इससे पहले कि जोना की पकड़ कमज़ोर होती वो जगह जीत करते ही हमने फटाफट से इसको पकड़ के जना पॉइंट को जीत किया। वंडरफुल, ज़बरदस्त तरीके के साथ। गाइस यहाँ पे तूफान जो है हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हरी आप जल्दी से इससे पहले कि तूफान जो है हमें यहाँ से, ज़बरदस्त
गाइस कितनी अमेजिंग है यहाँ पे ये गेम, तो भाई बहुत ही दिल को दहला देने वाली गेम है। यहाँ पे जो वाइज आपको जो संभाल के लिए खेलनी होगी, जब भी आप खेलेंगे इसके अंदर गेम बहुत ही डेंजरस आते हैं, ज़बरदस्त है जी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं टॉप पे पहुँच पाऊँगा, लेकिन मुझसे पहले जो है तूफान ने मुझे घेरा हुआ है। जल्दी 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 यहाँ से निकलना होगा गाइस, फटाफट से भी गड़बड़ो, हमें यहाँ से निकलना है। ज़बरदस्त, हमारी मंजिल करीब ही है। ओ ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन इस दफ़ा लगता है तूफान की जद में आ गए गाइस, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई यहाँ पे। देखते हैं क्या होने वाला है, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हमने बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ खुद को बचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि एवरीथिंग भी केयरफुली रहा होगा। गाइस बहुत मज़ा आया इसकी पहली एपिसोड में, आपको ये एपिसोड जैसी भी लगी हो आपने मुझे बताना है। तो गाइस यहाँ पे 2 वीक अर्लियर की रिपोर्ट आ गई है, हम लंदन इंग्लैंड के, लंदन इंग्लैंड हैं हम यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हैं क्या फिनिशिंग है, क्या ओपी सीन है यार, क्या ब्यूटीफुल गेम बनाई है यार, हर चीज़ की केयरफुल एवरीथिंग। तो गाइस यहाँ पे ना ये आपस में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप अगर देखना चाहें तो एसजीबी से आप देखें इसको।